इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो स्पेस है आपके बिटवीन द प्लेट्स अगर उसको हम किसी डायलेक्ट्रिक के से फिल अप करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस भी के टाइम्स हो जाएगा। और आपको पता है कि डायलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए अच्छा अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो के इनफाइनाइट होता है और अगर मैं किसी और डायलेक्ट्रिक की बात करता हूं तो के कितना होता है हमारा ग्रेटर देन जीरो। दैट मींस की द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल गेट इंक्रीज एज द स्पेस बिटवीन द एयर इज स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विल फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक इन प्लेस ऑफ एयर। इज इट क्लियर? सो द फॉर्मुला विल बिकम क्या c इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ c नॉट। ओके इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि अगर हम इस प्लेट इन प्लेट्स के बीच में पूरे में अगर डायलेक्ट्रिक फील्ड ना करें और सिंपल सी एक स्लैब लूं पतली स्लैब तो क्या इंपैक्ट्स आएंगे। सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। सो थैंक यू।